हे गाइस, दिस इज रोशन रंजन। वेलकम टू माय चैनल रेलवे रिक्वायरमेंट। रोज की बातें मैं आज फिर आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन क्विज टेस्ट के रूप में लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि सारी नेक्स्ट वीडियो और वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड का समय। लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ तरंग बन सकती है केवल ठोस तथा जल के तल पर, केवल ठोस तथा जल के तल पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किसकी रचना है? रामचंद्र गुप्ता का। नेक्स्ट, किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, एक सामान्य प्रौढ़ की प्रतिदिन भोजन कैलोरी की आवश्यकता में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत क्या होता है? लगभग 48%। नेक्स्ट, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से किसका उद्भव आंध्र प्रदेश में हुआ है? कुचिपुड़ी का। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? विजयालक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट, तेजरिया और बंदरिया शब्द किससे संबंधित है? स्टॉक बाजार से। नेक्स्ट, वह ताप जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का दोगुना होता है, आंसर जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, साइलेंट वैली का कटिबंधीय वन किस राज्य में है? गोवा राज्य में। नेक्स्ट, संघाई किस नदी पर स्थित है? यांगत्जे नदी पर। नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और किन के बीच हुआ था? फ्रांसीसियों के बीच। नेक्स्ट, दूध गर्म होता है चालन और संवहन द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक का मिलान सही नहीं है
आंसर हो जाएगा बिहू। बिहू मणिपुर का नहीं, असम का है, और सब सही है। पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा, महाराष्ट्र का तमाशा, बिहू असम का है। नेक्स्ट, पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका तापमान, पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट, स्टेनलेस इस्पात एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक, स्टेनलेस इस्पात एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट, प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के कौन सा सदन नए सिरे से बनता है? प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद का कौन सा सदन नए सिरे से बनता है? लोकसभा सदन, लोकसभा सदन। नेक्स्ट, सुंदरलाल बहुगुणा ने किसके संरक्षण में योगदान देने के कारण ख्याति प्राप्त की है? सुंदरलाल बहुगुणा ने किसके संरक्षण में योगदान देने के कारण ख्याति प्राप्त की है? वन संरक्षण के में योगदान देने के कारण। नेक्स्ट, कोशिका से डीएनए अणुओं की विलगन क्रिया में किस एंजाइम का उपयोग होता है? कोशिका से डीएनए अणुओं की विलगन क्रिया में किस एंजाइम का उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा ये सभी है। लाइसोसोम, सेलुलोज, काइटिन सभी का उपयोग होता है। नेक्स्ट, एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच घूमते हैं? एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच घूमते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच। नेक्स्ट, धनराज पिल्ले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? धनराज पिल्ले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? हॉकी के। नेक्स्ट, जीनी अभियांत्रिकी द्वारा किसका संश्लेषण करना संभव नहीं है? जीनी अभियांत्रिकी द्वारा किसका संश्लेषण करना संभव नहीं है? कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट, पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में होते हैं परागकण, पराग कोष में होते हैं परागकण। नेक्स्ट, भारत, चीन, जापान, तिब्बत और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय अधिकतर प्रसारित हुआ? भारत, चीन, जापान, तिब्बत और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय अधिकतर प्रसारित हुआ? महायान संप्रदाय, महायान संप्रदाय अधिक प्रसारित हुआ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? निम्न में से कौन सा स्तनधारी नहीं है? ब्लू शार्क स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट, लैमार्क का मूल सिद्धांत है, लैमार्क का मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। नेक्स्ट, बच्चे का नर होना पहचाना जाता है, बच्चे का नर होना पहचाना जाता है शुक्राणु में वाई गुणसूत्र से, शुक्राणु में वाई गुणसूत्र से। नेक्स्ट, उष्मा किसके द्वारा संचारित होती है? उष्मा किसके द्वारा संचारित होती है? इनमें से सभी, विकिरण के द्वारा, संवहन के द्वारा और संचालन के द्वारा, सभी के द्वारा उष्मा संचारित होती है। नेक्स्ट, हमको शनि ग्रह के बारे में सूचना देने वाला अंतरिक्ष यान है, हमें संस्कृत ग्रह के, शनि ग्रह के बारे में सूचना देने वाला अंतरिक्ष यान है कैसिनी, कैसिनी। नेक्स्ट, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है?
ब्राह्मणी ब्राह्मणी है। नेक्स्ट, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? एम भंडार नायके, श्रीलंका की थी, एम भंडार नायके। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग दिल्ली से होकर गुजरता है? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से होकर गुजरता है? दो, एनएच दो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में राजद्रोह के लिए दंडित होने वाले पहले नेता थे? राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में राजद्रोह के लिए दंडित होने वाले पहले नेता थे? लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट, भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? सिंदरी में, सिंदरी में। नेक्स्ट, भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति किससे प्राप्त होती है? भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति किससे प्राप्त होती है? ताप विद्युत से, ताप विद्युत से। नेक्स्ट, लिंग संलग्न रोग सामान्यतः पाए जाते हैं? लिंग संलग्न रोग सामान्यतः पाए जाते हैं? इन सभी पर, एक्स गुणसूत्र पर, वाई गुणसूत्र पर, एक्स वाई गुणसूत्रों पर, सभी पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लाल रक्त कणों का निर्माण किस में होता है? लाल रक्त कणों का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य का भाग किरीट भाग दिखाई देता है, किरीट भाग दिखाई देता है, किरीट यानी कोरोना। नेक्स्ट, प्रजनन का वह लक्षण जो स्पायरो गायरा और इष्ट में समान है, प्रजनन का वह लक्षण जो स्पायरो गायरा और इष्ट में समान है, इनमें अलग एक प्रजनन होता है, इनमें अलग एक प्रजनन होता है। नेक्स्ट, प्रथम कोशिकाएं अर्थात आदि कोशिकाएं, प्रथम कोशिकाएं अर्थात आदि कोशिकाएं विषमपोषी जीवाणुओं के समान थे, विषमपोषी जीवाणुओं के समान थे। नेक्स्ट, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। नेक्स्ट, नियत ताप पर गलन क्रिया में दी गई ऊष्मा वह होती है, नियत ताप पर गलन क्रिया में दी गई ऊष्मा वह होती है, आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में, आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में। नेक्स्ट, जिंक सल्फाइड ZnS को वायु में जलाने पर निर्मित गैस कौन सी है? जिंक सल्फाइड ZnS को वायु में जलाने पर निर्मित गैस कौन सी है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, सिंधु से पाटलिपुत्र जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख किसने किया? सिंधु से पाटलिपुत्र जाने वाले राजमार्ग का उल्लेख किसने किया है? मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर प्रतिक्रिया करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर प्रतिक्रिया करती है? सोडियम। नेक्स्ट, कावेरीपट्टनम किसका मुख्य बंदरगाह था? कावेरीपट्टनम किसका मुख्य बंदरगाह था? चोलो का मुख्य बंदरगाह था। नेक्स्ट, अम्लीय लवणों का पीएच मान सदैव होता है,
अम्लीय लवणों का पीएच मान सदैव होता है 7 से कम, 7 से कम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? कॉपर। नेक्स्ट, गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? दिनार के नाम से जाना जाता था, दिनार के नाम से जाना जाता था। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉप 50 क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो आप अपने स्कोर को कमेंट जरूर करें ताकि सारे लोगों की तुलनात्मक स्थिति का पता चल सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।